बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, ये कार्यक्रम में जाना है और 15 मिनट कार्यक्रम बढ़ा है हम लोगों के कारण, तो सिर्फ 2-4 मिनट ही आप लोगों के बीच में रह के जाएंगे। मैं बात तो बहुत करना चाहता था आप लोगों से, लेकिन फिर कभी मिलेंगे तो लंबी बात करेंगे। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 64वें वार्षिक सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार, जो केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी, महामंत्री अजय भसीन जी, श्री उत्तम गोलछा जी, श्री राजेंद्र जग्गी जी, श्री विक्रम सिंह देव जी, मनमोहन अग्रवाल जी, राम मंधान जी, मंच में विराजमान अन्य महानुभवगण, और आज के इस वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित सभी चैम्बर के पदाधिकारी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा चैम्बर का, जिन्होंने हमें यहां पर बुलाया, हम लोग का सम्मान किया। चुनाव के पहले आदरणीय सुनील सिंह जी आप लोगों के साथ बैठक किए थे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। वैसे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन सिंह जी आए तो और आशीर्वाद में बढ़ोतरी हो गया, और आप लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताए, 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट दिलाए, इसके लिए आप सब लोगों के हम लोग बहुत आभारी हैं। पूरे प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा आप लोगों की संख्या है, और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये धान का कटोरा है, यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है, बम्फर धान का पैदावार यहाँ पर होता है, वनोपज का पूरा भंडार है, यहाँ की धरती खनिज संपदा से भी भरपूर है, यहाँ लोहा है, कोयला है, बॉक्साइड है, टीना है, और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर हैं, तो इस तरह से बहुत संभावना है। यहाँ पर बिजली भी है, पानी भी है, और आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा व्यापार और उद्योग धंधा के फेवर में रहती है, आप सब लोगों को मालूम है। तो आज इतना मोटा समस्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से, इसमें कई संस्था का अलग अलग है, अभी कुछ का तो आया नहीं होगा, आप देते ही जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पिछली 5 साल के सरकार में अगर आप लोगों के हित में काम हुआ हो तो शायद ये समस्याओं का भंडार इतना बड़ा नहीं होता। बहुत झेलना पड़ा है, लेकिन हम मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहेंगे कि अब वो दिन दूर हो गया,
व्यापार उद्योग धंधा के लिए जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध हो सकती हैं वो हमारी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने में, और ये जो समस्याएं आप लोगों ने दिया है इसको समझकर और इसका समाधान का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आज हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश दोनों में एक पार्टी की सरकार है, तो इसका भी निश्चित रूप से व्यापार और उद्योग जगत में इसका भी लाभ मिलने वाला है। और बाकी डेढ़ महीने की ये सरकार है और डेढ़ महीने में मोदी की गारंटी में विश्वास करके यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई है, तो उनके विश्वास में भी हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास कर रही है। 18 लाख लोगों का पक्का का मकान देने का हम लोग निर्णय ले लिए हैं, 3716 करोड़ से ज्यादा राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 25 दिसंबर को जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं ट्रांसफर कर दिए हैं, पीएससी घोटाला को भी सीबीआई को सौंपे हैं, बाकी 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं 3100 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से, और जो भी वादा है मोदी की गारंटी में, चाहे महतारी बंधन योजना है, चाहे तेंदू पत्ता है, चाहे गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात है, ये सब छत्तीसगढ़ की सरकार आने वाले समय में 5 साल में पूरा करने वाली है। और बड़ा अच्छा वातावरण है, पूरा देश दुनिया राममय है, छत्तीसगढ़ में भी चूंकि हम लोग भगवान राम के ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की धरती है, तो यहाँ ज़्यादा उत्साहित होना स्वाभाविक भी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यापारी वर्ग में और ज़्यादा उत्साह है, कई तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ से सुगंधित चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, डॉक्टरों की टीम यहाँ से गई है, पूरा 60 दिन तक वहाँ लंगर चलाने का निर्णय हमारे व्यापारी बंधुओं ने किया है और वो टीम भी वहाँ पर जा चुकी है। तो इस तरह से हर जगह व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं अंत में यही आग्रह करते हुए कि आप लोगों के साथ हमारी और सरकार की शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़िए, फलिए फूलिए, लेकिन एक ही आग्रह है कि आप लोग अपने उद्योग धंधा में व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता देंगे, यही आप लोगों से आग्रह करते हुए और आज आप लोग हम लोग को बुलाए, सम्मान किए, इसके लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।